हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्सरसाइजेस के बारे में, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, ब्रेन को ट्रेन करते हैं। जितनी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एक्सरसाइजेस बताई जाती है उसमें और फिजियोथेरेपी में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। फिजियोथेरेपी इज़ बेसिकली आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस, कोई भी जॉइंट की एक्सरसाइजेस, कोई भी आपका जो बॉडी पार्ट मूव नहीं कर पा रहा उसको दोबारा से एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। चाहे हमें मैनुअली खुद से करवानी पड़े या पेशेंट का एफर्ट हम लगवाते हैं, दोनों ही फॉर्म्स फिजियोथेरेपी के अंदर काउंट होते हैं। कुछ मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट वहीं पे सिमिलरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर हम जितनी भी एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं, बेसिकली दे आर डे टू डे रूटीन वर्क और ब्रेन को दोबारा से ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट का लेफ्ट हैंड साइड पैरालाइज्ड है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग मूव नहीं कर पा रही, उस पेशेंट के अंदर अगर हमें लेफ्ट हैंड के अंदर दोबारा से मूवमेंट को वापस लाना है तो उस कंडीशन के अंदर हमें ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करना पड़ता है। एक बार अगर आपके जॉइंट सारे के सारे, कोई भी अब स्टिफ नहीं है, पूरी एक्टिव फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, आपके हैंड के अंदर भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आ गई है, आप अपनी फिस्ट को बंद कर पाते हैं, ओपन कर पाते हैं, चीज़ों को आप किस तरीके से ग्रास्प कर सकते हैं या ग्रिप कर सकते हैं, वही सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी, क्योंकि डे टू डे लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे घर में प्रेजेंट होती हैं और अगर हम ये डेली लाइफ के अंदर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तो बहुत ही अच्छी रिकवरी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती चली जाती है। अगर मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड साइड पैरालाइज्ड है, लेफ्ट लेग में अब रिकवरी आ चुकी है, आप थोड़ा थोड़ा वॉक कर पाते हैं, चाहे स्टिक के सहारे ही सही चाहे बिना सपोर्ट के ही सही, बट आपका हैंड पीछे रह जाता है। अब हैंड के अंदर रिकवरी लाने के लिए हमें उसको दोबारा से ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड फंक्शनल नहीं है, शुरू से आप अपना राइट हैंड ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इसी हाथ से लिखते थे, खाना खाते थे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या देखने को मिलता है, आपका ब्रेन उस लेफ्ट हैंड को यूजलेस साबित करते हुए उसको दोबारा से कभी भी काम में वापस नहीं आने देता अनलेस एंड अनटिल आप एफर्ट लगाते हैं। जैसे कि मैं जितने भी पेशेंट्स देखती हूँ, अगर मैं किसी की हिस्ट्री ले रही हूँ, बात कर रही हूँ, अगर मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप ये ऑब्जेक्ट उठाकर मुझे दीजिए, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर है, तो सबसे पहले पेशेंट क्या करता है, अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका ब्रेन सबसे पहले जो कमांड दे रहा है वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। लेफ्ट हैंड उसका भले ही एक्टिव हो चुका है फिर भी वो राइट हैंड से उसको पहले ग्रैब करेगा। वही चीज़ को हमें करेक्ट करना है ताकि हमारे दोनों हाथ अच्छे तरीके से फंक्शनल हो जाएं। किसी का राइट हैंड पे भी इफेक्ट हो सकता है, उसका लेफ्ट वर्किंग होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड जो अनअफेक्टेड हैंड है उसी से किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करता है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है वो स्ट्रांग होता चला जाए, क्योंकि एजिंग के साथ साथ जब नॉर्मली किसी की भी एजिंग हो रही है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता चला जाएगा जो आपका पार्ट वीक है वो और ज़्यादा वीक जल्दी होता चला जाएगा। तो जितनी स्ट्रेंथ अभी हम गेन कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू ब्रेन एक्सरसाइजेस, थ्रू ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो हमें अभी से ही स्टार्ट करनी है ताकि जितने भी स्ट्रोक के पेशेंट हैं वो बहुत अच्छे से रिकवर कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें, और इन फ्यूचर जब एजिंग के साथ साथ हमें परेशानियाँ नॉर्मली किसी भी हेल्दी पर्सन को भी आती हैं वो उन्हें कम से कम बेयर करनी पड़े। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा लेफ्ट हैंड फंक्शनल नहीं है, राइट हैंड बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि अपने राइट हैंड को या तो आप इस तरीके से रख लीजिए, उसको या तो हम ग्लव वेयर करवा देते हैं, उस हाथ को बांध देते हैं। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड से ही जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो करवाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस कंटेनर को उठाना है, तो अगर मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा भी फंक्शनल हो रहा है तो मैं ट्राई क्या करूँगी कि लेफ्ट हैंड से उसको उठाऊँ, चाहे मैं पूरा ग्रिप नहीं भी कर पा रही हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी सपोर्ट लेते हुए, चाहे एक फिंगर की सपोर्ट से ही उसको थोड़ा भी उठा पाऊँ या एटलीस्ट ग्रैब भी कर पाऊँ, तो वो काफ़ी रहता है इनिशियली। जिस पेशेंट के हैंड के अंदर अच्छी मूवमेंट्स आ चुकी हैं उसमें क्या करेंगे, इस राइट हैंड को मोबिलाइज करते हुए लेफ्ट हैंड से ही सारी एक्टिविटीज़ करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें इसको उठाना है, कंटेनर को पिक करेंगे, अब कोई भी छोटी आइटम है जिसमें हमें थोड़ी सी फाइन मूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम इस तरीके से बहुत धीरे से ग्रास्प करते हुए उसको
पिक करते हुए ऊपर लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट का लेफ्ट हैंड के अंदर उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई है, बट थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने राइट हैंड की सपोर्ट से उस हैंड को पुश देते हुए चीज़ों को हेल्प करते हुए ग्रास्प करवाएंगे। अब मान लीजिए हमें किसी कंटेनर की कैप को, लिड को ओपन करना है और मेरा लेफ्ट हैंड उतना अच्छा काम नहीं करता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को पहले लेकर जाएंगे, धीरे धीरे ग्रास्प करेंगे, फिर जो हैंड मेरा अनअफेक्टेड है उससे बॉटम को पकड़ते हुए, लेकिन जो लिड ओपन करना है वो हम अफेक्टेड पार्ट से ही करवाएंगे। तो लेफ्ट हैंड अगर मेरा पैरलाइज्ड है, इसी से हम कोशिश करेंगे लिड को ओपन करने की। एक बार ऐसा होगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, बट ग्रेजुअली हम करते चले जाते हैं। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स या सर्कमफ्रेंस की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए छोटी आइटम को आप इजीली ग्रैब कर पा रहे हैं, तो छोटी आइटम को आप यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको थोड़ा सा जो ब्रॉड वो है उसको आप ग्रिप कर पा रहे हैं, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हम करते चले जाएंगे तो पेशेंट के अंदर रिकवरी बहुत तेज़ी से देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, लेफ्ट हैंड वो हेड लेवल तक भी रेस कर पाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम क्या एडवाइस करते हैं, नॉर्मली जैसे आप सिर पे तेल लगाते हैं तो फिंगर टिप्स पे आप थोड़ा सा ऑयल लेंगे, जो आपका अफेक्टेड पार्ट है, यहाँ पे जैसे हमने मान लिया है कि मेरे लेफ्ट हैंड में ही पैरालिसिस है, उसको हम हेड तक लेके जाएंगे। अगर इतना भी जाता है वेल एंड गुड, फिर हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन के अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जितना भी हम मूव कर पा रहे हैं उसको, जैसे हम हेड मसाज करते थे उस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। उससे बेनिफिट क्या मिलता है, जो नॉर्मली डेली रूटीन में हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ये ब्रेन को हमेशा याद रहती है। सिर पे तेल लगाना, कॉम करना, शैम्पू करना, ये डेली रूटीन वर्क है, ये हर किसी को करना ही होता है। तो अगर हम इन्हीं एक्टिविटीज़ को अपनी डेली लाइफ के अंदर एड ऑन करते हैं एज एन एक्सरसाइज, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं। अब नॉर्मली आप अपने हाथ में कॉम पकड़ के इस तरीके से कॉम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका हेड रेस तक जाता है, वेल एंड गुड, नहीं जाता है दूसरे हाथ की आप सपोर्ट से उसको लेके जाओ, बट उस हैंड को यूज़ ज़रूर करना है। तो अगर हम अपने अफेक्टेड पार्ट को दोबारा से एक्टिव करना चाहते हैं, उसको मूवमेंट लाना चाहते हैं, तो उसकी मूवमेंट हमें करनी पड़ेगी और कोई शॉर्टकट नहीं है। आज आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट मान लेता है कि मेरे इस हाथ के अंदर अब मूवमेंट हो ही नहीं सकती, मैं मूव ही नहीं कर सकता। जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपना हाथ उठाइए, नहीं मैम बिल्कुल नहीं उठ रहा है, फिर मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप फोकस कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आप शायद कर पाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके हैंड में मूवमेंट है। तो जब उन्हें बोला जाता है वो थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं, बट करते हैं, तो ज़ीरो पावर तो नहीं है, आपके हैंड के अंदर एक्टिवनेस है, मूवमेंट है, बट हम सोच के बैठे हैं कि हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस थॉट को ही निकालना ज़रूरी है। आपको कभी भी एफर्ट लगाना छोड़ना नहीं है, क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट यहीं पे इसी टर्म्स पे ठीक हो पाते हैं कि अगर वो अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखते हैं तो पेशेंट रिकवर करता चला जाता है। अब किसी पेशेंट को पानी पीना है तो वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड उसका नहीं अब काम कर रहा है, राइट हैंड बिल्कुल ठीक है, तो सिर्फ राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए बॉटल या ग्लास को माउथ तक नहीं लेकर जाएगा। आप अपने लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे ग्रिप करना सिखाओगे, अगर नहीं हो पाता है राइट हैंड की सपोर्ट से उससे ग्रिप करवाओगे, फिर दोनों हाथ से ग्रिप करोगे और उसको माउथ तक लेकर जाओगे। तो हमें जब भी ये एक्टिविटीज़ करनी है डेली रूटीन के अंदर, ये काम हमें ऐड ऑन करना ज़रूरी होता चला जाता है। आप छोटे छोटे कोई भी मटर का दाना है, चने का दाना है, उसको उठाकर बाउल के अंदर वापस डालो। अगर आप फाइन मूवमेंट्स वापस चाहते हो, आपका पूरा रिकवरी हो चुका है, बट आपकी फिंगर्स चीज़ों को पकड़ नहीं पा रही है, आप टाइपिंग कर सकते हो, आप अगर राइट हैंड इफेक्टेड था आप लिखना आप स्टार्ट कर लिया, पेन ग्रिप कर पाते हो, तो आप पेन अपने हैंड में होल्ड करोगे, कुछ कुछ अक्षर लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे हम बच्चों को कर्सिव राइटिंग की बुक्स देते हैं, बोल्ड लेटर से आप स्टार्ट कीजिए, डॉट्स को मैच कीजिए, बट हमें ग्रेजुअली वो चीज़ें करनी है। जिन पेशेंट्स के अंदर स्पीच नहीं होती, कुछ कुछ वर्ड्स अब बोलने लगे हैं बट उतनी क्लियर नहीं है, वो रीडिंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अगर रीडिंग नहीं कर पाते हैं, कुछ पेशेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, रीड करने में दिक्कत हो रही है, तो बहुत से लोग सिंगिंग करते हैं, कुछ कुछ लिरिक्स बोलना स्टार्ट करेंगे, या पोइम्स जैसे बच्चे रिसाइट करते हैं अब वो स्टार्ट करोगे। बार बार की रिपीटेशन से होगा क्या, आपका ब्रेन सीखेगा और उसके अंदर रिकवरी आएगी। तो रिपीटेशन हमारा जो
पार्ट है वही हमारे ब्रेन को रिकवर करवाता है, जैसे एक छोटा बच्चा हर एक माइलस्टोन को क्रॉस करते हुए एक एडल्ट में ग्रो करता है, वही दोबारा से हमें अपने ब्रेन के साथ अब करना है। छोटी छोटी एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हुए हम बड़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएंगे। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मुझसे नहीं होगा, अपने एंड पे एफर्ट ज़रूर लगाना है। अगर आपका एक हैंड एक्टिव नहीं है और एक हाथ ठीक है तो जो अफेक्टेड पार्ट है जिसमें पैरालिसिस है उसको पुश दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों में इनिशियली फिस्ट नहीं खुल पाती, मुट्ठी बिल्कुल टाइट बंद रहती है, तो आप अपने राइट हैंड से उसको खोलिए, फिर कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर फंसाइए, आप होल्ड कर पाते हैं उसको उठाइए और अपने माउथ तक लेके जाइए, या फिर 10 काउंट्स तक आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो यही एक्सरसाइजेस हमें डेली रूटीन के अंदर प्रैक्टिस करनी है, यही मैं हर एक पेशेंट को भी समझाती हूँ और आज आप सभी को समझा रही हूँ। कोई भी पेशेंट अगर इस बीमारी से सफ़र कर रहा है या उसके फैमिली मेम्बर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट समझ पाएंगे कि अपने पेशेंट को हम किस तरीके से रिकवर करवा सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपको स्पीडी रिकवरी दिलाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तब तक के लिए आप सारी की सारी एक्सरसाइजेस करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।